हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास होंडा की तरफ से आने वाली 160 सी सेगमेंट की बाइक, यानी कि आज अपने पास होंडा एसपी 160 का सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट आज अपने पास। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट की क्या आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलती है, ओवरऑल सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इस वीडियो में इस बाइक को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ से आप इसके हेड के डिज़ाइन को देख सकते हो, जो कि अगर आप देखिए तो 160 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन का इसका हेड का वाइजर मिल जाता है, ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर वाइजर मिलता है, उसी के साथ में यहाँ पर आपको रेड भी देखने को इसके ऊपर में मिल जाता है। साइड से अगर आप चेक करो तो यहाँ पर इसके ओवरविंग के डिज़ाइन को और हेड के डिज़ाइन को आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। फ्रंट में इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एलईडी हेडलाइट का सेटअप, जो कि आप देखो तो यहाँ पर आपको पूरा स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम दोनों आपको यहाँ पर एलईडी में देखने को मिलता है। होंडा की बैजिंग मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के ओवरऑल आपको देखने को मिल जाते हैं हैलोजन बेस्ड के अंदर में, और नंबर प्लेट जो लगाने का ऑप्शन है ये भी आपको फायर बॉडी के अंदर मिलता है। टर्न इंडिकेटर आप देखो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अटैचमेंट इसकी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ ही साथ फ्रंट में यहाँ पर आप चेक करते हैं तो आपको जो नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन है फायर बॉडी के अंदर मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बाकी आप मडगार्ड देखिए, अगर ये भी आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिल जाता है। एबीएस की बैजिंग मिलती है इस बाइक के अंदर, आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। बाकी अगर आप चेक करो तो फ्रंट में यहाँ पर आपको 276 मिलीमीटर की डिस्क मिलती है, 276 mm की बड़ी सी आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आपको 80x100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में, जिनका पैटर्न आप यहाँ से भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ओवरऑल आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर साइड बाय साइड सस्पेंशन के। बाकी आपको डुअल टोन में यहाँ पर इसका मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख ही सकते हैं रेड और ब्लैक के साथ में ये रहने वाला है। टैंक की तरफ चलते हैं तो आप देखो तो टैंक इसका काफ़ी अच्छे तरीके से स्पोर्टी लगता है। नेकेड डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर आपको मिलने वाला है, होंडा का लोगो वगैरह मिल जाता है, ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं व्हाइट कलर के रेड के साथ में। और टैंक भी अगर आप देखो तो आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी देखने को मिल जाती है ब्लैक के साथ में, होंडा का 3D लोगो देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ 12 लीटर के यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस बाइक के अंदर में। ये जो लोगो आपको होंडा का मिलता है ये 3D क्रोम के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं, किक आपको मिल जाती है इस बाइक में, जो 160 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है किक मिल जा रही है आपको इसके अंदर में। रियर ब्रेक का पैड और यहाँ पर आपको फुटपैक्स वगैरह क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल जाती है इसके अंदर में। उसी के साथ ही साथ इस तरफ से भी आप इसके ओवरऑल लुक को देख सकते हैं, इसमें आपको 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है 170 mm की। उसी के साथ ही साथ अगर आप देखो तो आपको 769 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट भी देखने को बाइक के अंदर में मिल जाती है। 769 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट देखने को ओवरऑल मिलेगी, सिंगल सीट मिलती है जो कि काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है। इस तरफ आप सीट का देखो तो यहाँ पर एसपी का 3D लोगो मिल जाता है क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में, जो कि काफ़ी सही लग रहा है देखने में। ये आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग में देखने को मिलेगी यहाँ पर सीट का। बाकी यहाँ पर भी आपको रेड मिल जाता है। पीलन फुटरेस्ट भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल, जो कि आपको कुछ रबराइज देखने को मिलेंगे। मफलर काफ़ी सही आपको मिल जाता है क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में और काफ़ी बड़ा लगता है इसका एग्जॉस्ट दिखने में। इस तरफ आपको 160 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर भी ग्राफिक्स कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। ग्रैबल आपको सिंगल मिलती है। सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो ड्राइवर का भी कुशन काफ़ी सही है और पीलन का भी कुशन आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है सिंगल सीट के कारण। आप यहाँ पर देखो तो ये बाइक E20 कंपेटेबल रहने वाली है। इस तरफ आपको ग्रे फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको ग्लॉसी रेड ये देखने को मिल जाता है, तो देखने में काफ़ी सही है। बाकी 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि मैंने भी आपको बताई थी। टेल सेक्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो पहले तो ग्रैब रेल आपको सिंगल मिल जाती है। बाकी टेल लाइट यहाँ पर आप देखो तो आपको कुछ ऐसी टेल लाइट देखने को मिल जाती है एलईडी बेस्ड के अंदर में, जो कि इस तरफ से अगर आप देखो तो कुछ ऐसी यहाँ से लुक निकल के आती है। रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है रियर में भी, बाकी रियर के टर्न इंडिकेटर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और टेल लाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगती है एलईडी बेस्ड के हिसाब से। और बैक का मडगार्ड भी आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, काफ़ी वाइडर देखने को मिलेगा। अब रियर के सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिल जाता है, मडफ्लैप मिल जाता है। और रियर में यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इसमें तो दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। आज जो वेरिएंट है अपने पास है सिंगल डिस्क वाला, तो यहाँ पर इसमें आपको रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। टायर सेक्शन रियर में आपको 130x70 सेक्शन का देखने को मिलता है 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में, जो कि काफ़ी सही सेक्शन आपको यहाँ पर जो कि काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाता है ओवरऑल। बाकी यहाँ से भी आप इसकी पूरी प्रोफाइल को रियर की चेक कर सकते हैं। अब उस तरफ से मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो आपको मेटल का यहाँ पर एक साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, ओपन चेनसेट कवर मिलता है बाइक को और ज़्यादा स्पोर्टी लुक निकाल के देने के लिए। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है
और इंजन काउल यहाँ पर आपको मेटल बॉडी के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है, आप देख ही सकते हो। बाकी इस तरफ भी आपको कुछ ऐसी लुक यहाँ पर निकल के आती है। अब मीटर कंसोल की तरफ चलने से पहले यहाँ से आप इसके ओवरऑल के डिज़ाइन को और बार हैंडल के डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं, जो कि बार हैंडल का पोजीशन इसका देखने को मिलती है थोड़ी आपको अपराइट वे में देखने को मिलेगी, जिससे कि राइडिंग पोस्चर और ज़्यादा अच्छा बन जाता है इस बाइक का। सबसे पहले आप स्विचेस देखो इस बाइक के, तो यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का स्विच इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, और अगर आप देखो तो कुछ इसके साइड में डिज़ाइन मिलता है, बारेंस मिल जाते हैं आपको, और क्लच का लीवर भी आपको काफ़ी लाइट देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी यहाँ से भी आप साइड में के पैटर्न को देख सकते हैं, और इस तरफ आपको इंजन कील और शेल्फ अपना देखने को मिल जाता है हैजार्ड के साथ में, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है हैजार्ड भी आपको। बाकी आप यहाँ से ओवरऑल लुक को देख सकते हैं। अब मीटर कंसोल की बात करने से पहले मैं आपको की दिखा दूँ इसकी, अगर तो आप देखो तो यहाँ पर नॉर्मल सी की मिल जाती है आपको, कोई भी वेब कीज वगैरह नहीं मिलती है, नॉर्मल सी वही होंडा की मिलेंगी। लगाते फिर आपको मीटर कंसोल चेक कराते हैं इसका, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सब कुछ यहाँ पर फुल डिजिटल देखने को मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, आरपीएम मीटर सब कुछ यहाँ पर इसमें डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप देखो तो हैजार्ड की लाइट मिल जाती है, चेक इंजन आपको देखने को मिल जाता है, एबीएस की लाइट आपको देखने को मिलेगी, उसी के साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो साइड स्टैंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो डिजिटल क्लॉक भी आपको मिलती है, जो कि काफ़ी सही बात है और काफ़ी सही यहाँ पर आपको इसका मीटर कंसोल देखने में लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, जहाँ से आपको पता चलेगा बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है इसमें 162.71 सीसी का एक एयरकूल फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, जो कि आपको 13.46 पीएस की मैक्सिमम पावर इसके देने वाला है 7500 आरपीएम पर। बाकी 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5500 आरपीएम पर। बाइक का पावर फिगर काफ़ी सही आपको मिल जाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से, बाकी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 45 किमी तक की माइलेज, बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। ओवरऑल लुक आपको कुछ ऐसी मिल जाती है बाइक की, आपको इसकी ओवरऑल लुक कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो होंडा एसपी 160 सिंगल डिस्क आपको देखने को मिल जाती है 1,42,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड कानपुर के अंदर में। उसी के साथ ही साथ अगर आपको होंडा एसपी 160 को परचेज करना है या फिर होंडा की लाइनर में किसी बाइक को अगर आपको परचेज करना है, तो आप विजिट कर सकते हैं एक्सिस होंडा, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके होंडा की लाइनर में किसी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यही इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।